रानी गाइदेलियू के बारे में तो हमारा भारतवर्ष में सब सुना होगा, लेकिन ये वास्तव में सुनने के वास्तव में भी हम लोग यहाँ में असली में हमारा प्राचीन काल से जो हमारा देव देवता है, हमारा सरातिंगरंगपुई का संतान से ये सबसे बड़ा लड़का, उसका नाम है अपाव पोन्स्मियु और हम लोग उसका खंगलिन लोंग करके भी उसका नाम हम लोग बोलता है। तो रानी माँ जादोनांग और रानी माँ जब हमारा परंपरा के हिसाब से, हमारा धर्म के हिसाब से, हम लोग का इतिहास के हिसाब से जो यहाँ में हमारा देवता खंगलिन लोंग बसवास करता है करके जानकारी का बाद वो लोग 1920 का बाद से यहाँ में आना शुरू किया है हाइपाव जादोनांग और रानी गाइदेलियू। तो उस समय से यहाँ में आके जो ब्रिटिश शासन से हम लोग जो रिवॉल्यूशन किया है हाइपाव जादोनांग ने, वो यहाँ में हमारा देवता से भक्ति करके प्रणाम करके ये सब हमारा जो रिवॉल्यूशन काम है, जो हमारा मकाम हुआंग तू पुनी उसका जो स्लोगन दिया है, हम लोग यहाँ रानी माँ और जादोनांग ने ये मतलब संकल्प लेके हमारा जो ब्रिटिश शासन को हम लोग मानता नहीं और ब्रिटिश शासन को हमारा जगह से जहाँ में हमारा जलेंगरोंग बाई है ये जगह से उठाने उच्चेट करने के लिए हाइपाव जादोनांग और रानी माँ ने प्रयास किया है। तो ये हमारा हर एक दिशा से जो जलेंगरोंग बाई है, जो हमारा हाउमई लोग है, जलेंगरोंग कबुई पुई लोग है, असम मणिपुर नागालैंड से आके यहाँ में हर एक साल प्राचीन काल से हम लोग जो यहाँ में आ रहा है, हर एक साल यहाँ में आके इकट्ठा करके हम लोग नानूबू बुपू दिन में, पूर्णिमा का दिन में हम लोग यहाँ में प्रार्थना करके हम लोग देवता से प्रार्थना करता है, हम लोग एक साथ में रहे, हमारा जो पूर्व पुरुष से धर्म जो पालन करता है वो अभी भी पालन करके रहे करके हम लोग ये संकल्प लेके हम लोग हर एक साल हम लोग आता है। और पोपाई चबरिया और हिराका हम लोग सब यहाँ में आके मिल के एक साथ में प्रार्थना करके हम लोग हर एक साल में आता है। तो उम्मीद है अभी ये साल बहुत यूथ लोग, जो युवक युवती लोग है, बहुत आके एक साथ में आया है और आशा करता है कि आगामी साल में भी ऐसा आते रहे और हम लोग का जो धर्म है वो सब समय पालन करके जाए और हम लोग का देव देवता को हम लोग पालन करके रहना चाहिए। हम लोग का कल्चर कस्टम, हम लोग का धर्म ये नहीं छोड़ के हम लोग रहना चाहिए। हम लोग हिराका और हम लोग पोपाई चबरिया हम लोग एक साथ में हम लोग मिल के हर एक साल हम लोग यहाँ में आके इकट्ठा होता है और हम लोग यहाँ में प्रार्थना करता है। और जो हमारा देवता पाव बोन्स्मियु है, वो हमारा सरातिंगरंगपुई देवी का लड़का में से सबसे बड़ा लड़का है और 8 लड़का में वो सबसे बड़ा लड़का है। और हम लोग मानता है प्राचीन काल से हम लोग का मिथोलॉजी से, हम लोग का जो पूरा पौराणिक धर्म पौराणिक कहानी से हम लोग को मालूम है जो ये गुफा में उसका घर है करके हम लोग मानता है और विश्वास है। जो घर का जो ये गुफा का जो डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर है, हमारा ऑर्नामेंटल हाउस, ऑर्नामेंटेड हाउस तरंगकाई का जैसा है, ऊपर में जो है वो कैतुअन का जैसा जो रखता है वो हम लोग का ऑर्नामेंटेड काइगुई काइंगुम काइचाई ये पूरा उसका स्ट्रक्चर है। तो इसीलिए हम लोग प्राचीन काल से जो हम लोग मान के जाता है, हम लोग अभी भी जो लड़का लड़की जुबो जुबती है अभी भी मान के हम लोग चल रहा है। तो इसीलिए हम लोग प्रार्थना करता है भारतवासी लोग को, हम लोग का धर्म भी बचा के रखने के लिए
हम लोग को मतलब हाथ बढ़ा के हम लोग काम करना चाहिए, हम लोग ये भी करते रहेगा। और हम लोग भारतवर्षी है और हम लोग भारत में रहते हैं और हम लोग एक साथ में भारतवर्ष होके हम लोग रहना चाहिए, ये करके हम लोग हमारा विनती है। और हम लोग हम दोनों हैं रिसर्च काउंसिल पौपाई चवरे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल का जनरल सेक्रेटरी, और मेरा नाम है कामाई लुंगथाओ और ये है पौपाई चवरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट गुइगोंग पाओ कामाई इराई कामाई भी बोलता है। तो हम लोग ये सब जितना जानकारी है हम लोग थोड़ा बोल दिया है। धन्यवाद, नमस्कार।